ये तकरीबन 350 साल पुराना मज़ार है और लाहौर की तारीखी इमारतों में से एक है। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हैं लाहौर शहर, तो हज़रत साबर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर अली अकबर शाह साहब, इनका तारफ मुनासब नहीं समझता करवाना। तो ये जनाब आप दरबार देख सकते हैं माशाल्लाह। ये दरबार बादशाह मस्जिद की बैक साइड पे मौजूद है और ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इंडिया पाकिस्तान भेजा था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको दुर्र दौरान का लकब भी अता किया था, तो उसी मुनासबत से उन्हें अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता था। तो बाद हज़ा उनको अहमद शाह अब्दाली के लकब से पुकारा गया। तो ये बहुत बड़े वलीअल्लाह थे और इनकी जाय शहादत का वाक़ा भी कुछ ऐसे है कि उनके दुश्मनों ने इनको शहीद किया था, इसलिए इनके नाम के साथ शहीद भी लिखा गया है, हज़रत साबर शाह वली शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके मज़ार का विज़िट भी आपको करवाते हैं और इसके साथ साथ मज़ीद भी इंशाल्लाह लाहौर के बिलाग आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग, हज़रत साबर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर भी हम जा रहे हैं। ये अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह दुरानी के रूहानी उस्ताद भी थे, रूहानी पेशवा भी थे। इस मज़ार का संग बुनियाद 1988 में रखा गया था और 1988 से 249 साल कबल इनकी यहाँ पर शहादत हुई थी। यानी कि ये देख लें कि ये तकरीबन 350 साल पुराना मज़ार है और लाहौर की तारीखी इमारतों में से एक है। ये अभी महकमा औकाफ़ के अंडर है। ज़ायरीन के तादाद तो यहाँ बहुत कम है क्योंकि लोगों को अक्सर पता ही नहीं इनकी तारीख का। तो अभी हम चलते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी यहाँ पर हाज़िरी होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।